तो बेटा इस बारे में तुम्हारा क्या विचार है, तुम्हारी क्या राय है? पापा इसमें मैं क्या बोल सकती हूँ, सगाई होने वाली है तेरी। उसने मेरे साथ बदतमीजी की है। बदतमीजी की? किसी की? पहली घटना है इसलिए सो रही हूँ, आगे से ध्यान रखना। जेनी ये बहुत शर्मिंदा है, सॉरी। त्रिपुरा में बिजनेस पॉसिबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए फील्ड वर्क पे जाना है। जी मैम बताइए ना। वो आदित्य ना डुम्बू नाम की जगह पे गया अपने फील्ड वर्क के लिए और अंजलि उसके साथ है। अफा डुम्बूर में घूम के एक मैडम का बेटा आया हुआ है काम से, उसको कुछ मदद चाहिए। अगर आप किसी गांव वालों को फोन करके बोल दीजिए ना मदद करने को। फोन नंबर कहाँ है? अफा आप मैम को जानते हैं, याद है? कौन, क्या नाम है? गीता मैम। हाँ फोन नंबर है? हाँ लगाओ। हेलो हेलो आदित्य। हाँ खुम। मैं खुम तैयार। थैंक गॉड तुमने मुझे फोन कर लिया। वो मैम ने अभी फोन किया था, आप अभी कहाँ पे हो? पता नहीं मैं एक गांव में फंस गया हूँ, यहाँ कोई मेरी बात समझ नहीं पा रहा ना मैं उनकी बात समझ पा रहा हूँ। यार मुझे लग रहा है अगर ऐसा ही रहा तो मैं अपना फील्ड वर्क छोड़कर आज ही जाना पड़ेगा, मैं इनकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ बिल्कुल भी। एक मिनट आप मेरे अफा से बात कर लीजिए और आसपास के किसी लोकल से अफा से बात करवाइए। हाँ हाँ ठीक है। अफा। हाँ नमस्ते अंकल। अच्छा किसी गांव वाले को फोन दो। भाई एक मिनट फोन लेंगे, एक मिनट फोन ले लीजिए प्लीज, बात कीजिए ना बात कीजिए। तुम्हारा डुम्बूर तो बहुत खूबसूरत है। इस खूबसूरती के पीछे एक सैड पार्ट भी है। सैड पार्ट है मतलब? ये जो छोटे छोटे घर देख रहे हो, पता है आदि, इन लोगों के पास ना तो धन का काम है और ना नौकरी,
आसपास में कोई हॉस्पिटल भी नहीं है। अगर गलती से कोई भी बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल जाने में 3 घंटे लगते हैं, और ये लोग बेसिक नीड्स के लिए भी तरसते हैं। ये बताओ खुम, मैंने बहुत से घरों में देखा बिजली है, ये बिजली आने की कहानी क्या है, कैसे आई बिजली? यहाँ पे रायमा सायमा नदियों के पानी से बिजली बनाने के लिए एक बहुत बड़ा डैम बनी थी। बिजली तो बन गई पर पानी का लेवल इतना बढ़ गया, यहाँ पे हजारों गांव, हजारों लोगों की जानें, खेती सब इस पानी के अंदर डूब गए। और पता है आदि, इसके बारे में आज तक किसी ने कुछ नहीं पूछा। यू मीन टू से किसी ने इनके लिए कुछ भी नहीं किया? ये तो बहुत ही सैड स्टोरी है। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके इन लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। आई रियली अप्रिशिएट, बट आगे क्या करना चाहती हो? ये तो अभी सोचा नहीं पर करूंगी जरूर। चलो चलते हैं। यार तब से ढूंढ रही हूँ मैं तुम दोनों को, पता है? खैर लिव इट, पता है वहां पे ना बहुत ही प्यारा सा ब्रिज है, चलो वहां पे चलते हैं। चलो कम ऑन आदि, तुम हमेशा ऐसे ही क्यों करते हो यार, चलो ना प्लीज। चलो ये छोटी छोटी ख्वाहिश बड़ी बदमाश है, छोटी छोटी ख्वाहिशें बड़ी बदमाश है, मेरी नजरों को जो छुआ है तेरी नजरों ने, जहां वही है मगर और हंसी लगता है। उम्मीदों की ये दुनिया मुझे उड़ने को कहती है, उम्मीदों की ये दुनिया मुझे जंगल मुझे अपने लगने लगे, ये राहें मोर पगंडी सभी मुझे कहने लगे, ये दरिया धूप ये जंगल मुझे अपने लगने लगे, ये राहें मोर पगंडी सभी मुझे कहने लगे। ख्वाहिशों जो उड़ने की ख्वाहिशें बड़े बदमाश है, छोटी छोटी ख्वाहिशें बड़ी बदमाश है, छोटी छोटी ख्वाहिशें बड़ी बदमाश है, छोटी छोटी ख्वाहिशें बड़ी बदमाश है। क्या बात है खुम, बहुत खुश लग रही हो, समथिंग स्पेशल? नहीं आता, ऐसे ही एक गीत याद आ गई तो गुनगुनाने लगी, आओ ना बैठो। आता ठीक है ठीक है ठीक। आता हमारे गीत कितने प्यारे हैं ना। अच्छा, उनका धुन, उनका मीनिंग, इमोशन कितने स्पेशल है ना। हाँ वो तो है, हमारा कल्चर, हमारा लैंग्वेज सब स्पेशल,
और बताओ वो तुम्हारी यूनिवर्सिटी के मैम के बेटे का वो फील्ड वर्क कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। अच्छा, हम लोगों ने मिलके पूरे डुम्बुर के इलाके को सर्वे किया। अच्छा। और पता है आता, आदि बहुत ऑनेस्ट और स्पेशल है। डुम्बुर के लोगों की दुख सुनकर उन्हें भी बहुत दुख लगा। अच्छा? और कहने लगा कि अब तक त्रिपुरा में जन्म लेने के बाद भी अब तक त्रिपुरा को नहीं जानते, मैं पूरा त्रिपुरा को देखना चाहता हूँ। और हमारे पास समय कम था तो हम लोग अमरपुर, उदयपुर, माताबरी और निर्मल की तरफ चले गए। अच्छा? और सबसे बड़ी बात तो ये है, आदि एक छोटा बच्चा की तरह बिहेव कर रहा था, इसलिए कह रही हूँ आदि बहुत ऑनेस्ट और इमोशनल है। ये सब एक अच्छे इंसान का गुण है कुम, मुझे मिला नहीं उनसे, अच्छे इंसान का स्वभाव है उसमें। अच्छा, अगर मैं अगरतला आऊंगा तो मिलवाना मुझसे। हाँ हाँ जरूर, इस बार आना तो मैं आपको उनसे पक्का मिलवाऊंगी। अच्छा तुम लिखो, मुझे काम है, जाना है। ठीक है आता। आई सीरी सीरी नगो का फैगा सामूहु माने नौजान, आई सीरी सीरी नगो का फैगा सामूहु माने नौजान, नगो का फैगा सामूहु माने। बासा कुछ हेल्प करूं? हाँ, वो किताब देना वहां से। एंड मासा थैंक यू सो मच, अगर आप नहीं होती तो मेरी ट्रिप इतनी शानदार नहीं होती। यू नो व्हाट, मैं तो घबरा गया था कि मैं वहां जाके क्या करूंगा, कैसे करूंगा। माय ट्रिप वाज टोटली फेल्ड इफ यू डिडंट हेल्प मी अप, तो थैंक यू सो मच मासा। आदि थैंक्स, मुझे नहीं कुमतेया को बोलूंगा, वो ना आउट ऑफ द वे जाके तुम्हारी मदद की है उसने। यू नो मासा, आप उसे शुरू से पसंद करती रही और मुझे इससे बहुत प्रॉब्लम होती थी, पर अब जाके समझ में आया कि उसमें कुछ ना कुछ तो बात है। शी इज अ रियली वंडरफुल गर्ल, आई रियली अप्रिशिएट योर चॉइस। अच्छा, एक दिन में काफी अच्छी लगने लगी है वो लड़की, ऐसा क्या खास हो गया आदि एक दिन में? हाँ साहब, आप भी ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो क्या ना उसने मेरी हेल्प करी, वो भी आपके कहने पर, तो मुझे लगा मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए, इसलिए मैं आपके पास में चला आया। इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, और थैंक्स मुझे नहीं, कल जाके खुमतिया को बोल देना, ठीक है? पक्का, उसके पहले मैं आपकी थोड़ी हेल्प तो कर दूं। हाँ, दे। ये। अब जाओ, तुम जाके आराम करो। ओके मासा, थैंक यू। बाय। बाय।
प्लीज। सॉरी। आदि कितना वेट करवाती हो तुम मुझे यार, कॉफी पीना है? लेट्स हैव सम चिल, अभी ना बहुत गर्म हो रही है, अभी जूस पिला दो। जूस और कुछ? नो, फिलहाल अभी बस जूस। चलिए को जूस पिलाते हैं। हाय गाइस, तो खुम क्या चल रहा है आजकल? बस सेमेस्टर ख़त्म होने को है, यू नो एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उसी की प्रिपरेशन ले रही हूँ। ओ हाँ, सेमेस्टर ख़त्म होने का मैंने पढ़ाई नहीं की, पता नहीं मेरा क्या होगा। अगर मैं फेल हो गया ना तो पापा तो मेरी जान ले लेंगे, उनको पूरा मौका मिल जाएगा मुझे अपने बिजनेस में लाने के लिए। आपको स्टडी पढ़े बन गाइस। हाय, आई एम रिंगमानी। हाँ आदित्य, कैन आई सिट? या या, व्हाई नॉट सिट। मैं खुमतिया की क्लास में। ओके, तुम उस दिन आए थे ना हमारे क्लास में, माइंड ब्लोइंग स्पीच था, मैं तब से तुम्हारी फैन बन गई हूँ। थैंक यू सो मच। वैसे क्या बात कर रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं, हम तो बस एग्जाम की बात कर रहे थे। मैं तुमको बता रहा था कि मैंने पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं करी। तो तुम हॉस्टल ले लो आदि, तुम्हारे लिए यही बेहतर रहेगा, लाइब्रेरी है, स्टूडेंट्स है और तैयारी का माहौल भी है। हम भी है, हॉस्टल ले लो आदि, तैयारी भी हो जाएगी और मस्ती भी। अच्छा हाँ ऐसा? अरे है, ट्राई ट्राई, मैंने अपने हाथों से बनाई है। लो। कुलम का ओकरा। आ कुलम का, इतने रात कोई खास काम है? हाँ कुछ खास काम है। आओ। क्या है इसमें? खा के मीठा ये। और कौन है ये, पहचाने नहीं? ये मेरा चाचा का लड़का है। ऋषा मुढ़ा लेके आओ, बैठो। ये लेके जाओ। बोलो क्या खास काम है? दावकरा, आप अगर चाहे तो ये आपके घर से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। खुल के बताओ। आप खुल के बताओ। दावकरा, हमारे चाचा के एक लौटा बेटा है, वो गुवाहाटी में एमए कर रहा है। चाचा हमारे गांव के चौधरी भी है, उनका खुद का रबर बागान भी है। हमें पता चला कि आपकी फूटी अगरतला में पढ़ाई कर रही है, अगर आपका रजामंदी है तो रिश्ते के लिए हम आया है। हाँ रिश्ता तो अच्छा ही लग रहा है, सोचा जा सकता है। बहू हाँ बोल, तू क्या कहना चाहती है? अच्छा तो लग रहा है, लेकिन खुम अभी अभी यूनिवर्सिटी गई है, पहला साल है उसकी पढ़ाई का। मैं सोच रही थी कि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, उसके बाद शादी के बारे सोचना अच्छा रहेगा। हम उसकी पढ़ाई रुकने नहीं देंगे, हमारे परिवार भी पढ़ाई को मान देता है। मेरे खुद की बहन एक टीचर भी है। वैसे भी लड़कियों की शादी हो जाने के बाद उनका पूरा जीवन बदल जाता है, ना चाहते वे भी बहुत सारे समझौते करने पड़ते हैं। ठीक है, थोड़ा समय दीजिए, हम लोग सोच समझ कर खबर करेंगे। ठीक है, हम आपके जवाब के इंतजार करेंगे।
खुलमका। आईबी की शादी रुकवा दीजिए भाभी, वकील बनना उनका सपना है। घर आके कभी कभी आराम कर लिया करो, रात सोने के लिए बनी है। ये लीजिए दूध। आजकल जनगणना का काम भी हम टीचर लोग के ही भरोसे। अब बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दे या सरकारी सर्वे करे समझ नहीं आता। अच्छा जाने दीजिए। आप भी थोड़ा आराम कर लिया कीजिए, दिन भर घर के काम में खुद को समर्पित किए रहते हो। ये बिल्कुल सही कहा आपने, समर्पित। समर्पण एक पवित्र शब्द है, इसका एक अपना ही आनंद है। क्या हुआ, क्या सोचने लगे? मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ संपिन, जो तुम जैसी समझदार पत्नी मिली है मुझे। मेरे घर परिवार को इतना मान सम्मान देती हो। एमए तक पढ़ाई करने के बाद भी दिन रात खेत और जानवरों के काम में खुद को होम कर रखा है तुम। वरना आजकल की लड़कियां थोड़ा सा भी पढ़े इतराने लग जाती है। ओफो, कितना कुछ सोचते हो आप भी। ये मेरा अपना घर है और अपने घर के काम तो हमें ही करना है ना, और कौन करेगा? वो सब सोचना छोड़िए आप, आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ कहो। आपको मुझसे एक वादा करना होगा। क्या? खुम की पढ़ाई में उसकी शादी को कभी बाधा नहीं बनने देंगे आप। वो अपनी मर्जी से जितना पढ़ना चाहे पढ़े, आप उसका पूरा सहयोग करोगे। यहाँ क्या प्रॉब्लम है साहबजादे को जो यूनिवर्सिटी में जाकर रहेंगे? जिसने जिंदगी में कभी यूनिवर्सिटी का दरवाजा ना देखा हो, वो यूनिवर्सिटी के माहौल के बारे में ना ही बात करे तो अच्छा है। वो बात ना अचानक ही मेरे मुंह से निकल गई। मुझे सबके सामने ऐसी बात आपसे नहीं कहनी चाहिए थी। क्या हुआ, बहुत टेंस दिख रही हो। नहीं कुछ नहीं। गाड़ी चाबी दो ना प्लीज। आदि प्लीज, तुम वेट कर सकते थे ना। तो ये है हमारी भाभी सा की आर्ट गैलरी, कैसी लगी? वाओ आदि। जादू यू हो जादू यू।